दादी जी को सियाने बुजुर्गों को जान देते तेरा भी तो मान बेच सकते नहीं। ये जो आज का ये दंगल हो जहाँ पर रखा गया है, मैं समझना कि जरा ये कने जो सारे लोग ने जो सारे बच्चे ने उन्हें एक प्रोत्साहन मिलता है कि उन्हें एक शक्ति मिलती है और उन्हें एक अध्यात मिलती है कि अस अगे बच्चे हैं जेड़े अजकल नशे के बच्चे लोग डूबे ने उन्हें नशे को दूर होने वास्ते ये जोड़े बड़े जरूरी ने और जुड़े लोगों भी इसका मैं उन्हें मुबारकबाद दिना कि जिन्हें दंगल रखते हैं और यदि शुरुआत जी है वो चाणक साहब ने पहले की ही तो बाद फिर आस्ते इन्हें जो भी इतने दंगल कराए वह बाद अज और चला है। लेकिन ये कई साल पहले एक बावे का जोड़ा दंगल है ये सारी स्टेट को सारे को बड़ा दंगल होता है और उस वे बाहर के पहलवान जोड़े इतने आते हैं और वह आइए जोड़ा अपनी अपने जोड़े करतब जोड़े ने दिखाते हैं। तो अज यह है कि मैं समझना कि एक बच्चे वास्ते छोटे छोटे बच्चे वास्ते जो साढ़े बच्चे ने उन्हें तेल लगाना अज भुली गए तेल लगाना चाहिए कसरत करनी चाहिए और खास करिए एक कुश्ती जी है ये बड़ी जरूरी है कि एक तो टाइम जोड़ा है बच्चे का दूर तरफ नहीं चलता और बच्चा जोड़ा वो ठीक रस्ते में चलता है। मुबारक है उन्हें लोगों के जोड़े सिंजा रखते हैं जोड़े लोग ये लगे रहते हैं और इन्हें पहलवान जोड़े इतने आए हैं बड़े बड़े दूरा इन्हें भी मैं आखना कि इन ये भी एक प्रेरणा देते हैं सारे लोगों तो ये आखते हुए कि सारे ये अपना पूरा योगदान देन और जोड़ा सारा देश है वो सारा शक्तिशाली बनाए नशे वाली पास नहीं चलते हुए कोई एक अच्छे रस्ते पर चलने की कोशिश करें। बस ये आखते हुए मैं हर वर्ष की तरह इस बार भी यहाँ पर दंगल का आयोजन हुआ है। पीछे जो दो वर्ष रहे कोविड काल के उन दिनों यहाँ पर दंगल नहीं हुआ, लेकिन ये दंगल के आयोजन हर जगह होने चाहिए। इससे एक तो नौजवानों को एक ऊर्जा मिलती है, मैं तो कहता हूँ कि इसे सरकार की ओर से भी एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि जो आज नौजवान नशे की ओर जा रहा है ऐसे जो मलजुद हैं इनसे जो व्यक्ति का जो निर्माण होता है नवयुवक जो हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं यानी नशे मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के जो मलजुद हैं दंगल हैं ये हर क्षेत्र में होने चाहिए और इसको एक अच्छा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
मैसेज आज ये दंगल कमेटी हमारे पप्पू पहलवान जी हर साल दंगल करवाते हैं बोफोर्ट में, लेकिन पिछले दो साल से कोविड की वजह से ये जहां पे दंगल ना हुआ और लोगों के बीच में काफ़ी निराशा थी, और इस तरह की एक्टिविटी जो देश को आगे बढ़ाती है, युवा को आगे बढ़ाती है, तो मैं समझता हूँ इससे नशा मुक्ति भी रहती है और तंदुरुस्ती की सेहत भी रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर युवा, हर क्षेत्र से युवा जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ताकि अपने देश को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और नशे से मुक्त रहें। हमारे दीपन कैप्टन जी रावत जी, जिन्होंने जो भी दुखद समाचार हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, तो उसके बाद में मुबारकबाद देता हूँ बोफोर्ट दंगल कमेटी को। वो हर साल यहाँ पर दंगल करवाती है और जितने भी युवा हैं पूरे J&K से यहाँ पर पहलवान खेलने आते हैं और खेल के अपने दंगल का पार्टिसिपेट करते हैं और लुत्फ लेते हैं। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है, जो हमारी बोफोर्ट की दंगल कमेटी है वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जितने भी युवा नशे से बचा रही है, और जितने भी अभी जो कोविड का दौर चला है, युवा वही फिट रहा है जो नशे से थोड़ा दूर है, और ये बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं कि नशे से पूरे युवा को दूर कर रहे हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू जारी कर रहे हैं। जी देखिए, आज बोफोर्ट दंगल कमेटी की ओर से बहुत विशाल का दंगल का आयोजन कराया गया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर से नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष से पहलवानों ने जो है वो भागीदारी ली है। और जो ये दंगल है ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और इस प्रकार के खेलों को हम चाहते हैं कि एज अ यूथ, हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे युवा हैं जो इस प्रकार के खेलों में अपना भागीदारी लेते हैं वो और बढ़ चढ़ कर सामने आए, और इस प्रकार के आयोजन जम्मू में और हों और सरकार इसके ऊपर विशेष कर ध्यान दे।